नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। ये मत समझना कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। पर माँ, वो अपने खंजर से खुद मरा है। पर मरा तो वो तुम्हारे सामने ही ना। देखो बेटा, हमें जिंदगी को इस छोटे से दायरे में नहीं रखना। हम ये जगह छोड़कर कल ही मुंबई चले जाएंगे। पर माँ, अगर माँ को चाहते हो तो इन सबको भूलना होगा। ये मेरी जिद भी है और फैसला भी। तू तो मेरी कहानी जानती है, पर दुनिया इस कहानी को हमेशा झूठ समझेगी। मेरे प्यार की इस निशानी को मेरा पाप कहकर बुलाएगी। इसलिए आज से मैं एक नई कहानी शुरू करने जा रही हूं। आज के बाद दुनिया सिर्फ इतना जानेगी कि मेरे बेटे के सर पर बाप का साया नहीं, बस एक विधवा माँ का आंचल है। मुझे आशीर्वाद दो बाबा कि मैं जीवन की इस जंग को लड़ सकूं। महामाई तुझे शक्ति दे। अब देखो ना, 20 साल पहले छोटे से बच्चे की उंगली पकड़ के तू इस बस्ती में आई थी। हाँ। देखते ही देखते वक्त गुजर गया, अब तो तेरे बाल भी सफेद हो गए। हाँ भैया, मैं जानता हूँ कैसे दिन रात एक करके तूने अपने बेटे को पाला है। वो अपना फर्ज था, निभा दिया। अब वो बड़ा हो गया है, अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल कर सकता है। हाँ। सर, दुनिया कहती थी कि विजय पेट्रोलियम केस जीत नहीं सकता। लोगों के मुंह पर ताले पड़ गए सर, बस्ती खाली करवा दी जाएगी। बस 2-3 महीनों के अंदर विजय पेट्रोलियम का नया पंप वहां तैयार हो जाएगा। मिश्रा जी, ये मुझे 1 महीने में वो पेट्रोल पंप तैयार चाहिए। सूरज के बर्थडे पर मैं उसकी ओपनिंग करना चाहता हूँ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हम केस हार गए हैं। इस बस्ती के मालिक ने उस सामने वाली पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। फैसला उनके हक में हो गया। पर ये तो बेइंसाफी है। काहे की बेइंसाफी बेटे? इस पूरी बस्ती का किराया उसे 750 रुपया महीना मिलता था, अब उसे 7.5 लाख रुपया मिला है। कोर्ट ने 10 दिन का वक्त दिया है बस्ती खाली करने के लिए। और अगर 10 दिन में कहीं जगह ना मिली तो क्या हम फुटपाथ पर जाएंगे? अरे तू क्यों फिक्र करता है बेटा, शायद इसी में कुछ भला हो। आरती जी, तुमने सूरज को काबू में नहीं रखा। क्यों? देखो ना कभी हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है और ना ही डिनर। आई एम रियली अपसेट अबाउट दिस। एक ही छत के नीचे रहते हुए लगता है जैसे वो हमसे बहुत दूर रहता है। जवानी में यहाँ ले तो आगे क्या करेगा? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। गर्भपात, आई मीन अबॉर्शन, हमारे मुल्क में निशुल्क होता है, फ्री ऑफ चार्ज। मैं तो तुम्हें अच्छी खासी रकम दे रहा हूं। देखो बेबी,
शादी से पहले बच्चा टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है और सूरज मल्होत्रा तो वैसे ही टॉक ऑफ द टाउन है। इसलिए तुम कल सुबह डॉक्टर के पास जाओ और तुम्हारी जरूरत थी पैसा और मेरी जरूरत तुम, दैट्स ऑल। जन्मदिन मुबारक हो बेटे, भगवान करे तू दिन रात तरक्की करे। तरक्की तो की है, देखो ना घर से सीधा फुटपाथ पर आ गए। क्या पता बेटे यही फुटपाथ तुझे किसी महल तक पहुंचा दे। धीरज बंधाना तो कोई तुमसे सीखे माँ। अरे पगले, हालात के सामने कभी हारना मत, बस उनसे लड़ते रहना, फिर देखना बेटे एक दिन विजय तुम्हारी ही होगी। एक माँ का विश्वास है, एक माँ का आशीर्वाद है अपने बेटे के लिए। राधे श्याम बोलो श्याम। साईं जग साईं वड़ी बोलो नी, सेवा राम लालवानी तुम्हारी क्या सेवा कर सकता है झूले लाल की कृपा से। मैंने 2 महीने पहले खोली के लिए। खोली? अरे साईं बड़ी खोली छोटी खोली जो चाहिए मिलेगी, अपना तो सुच्चा धंधा है, पूछ रहे इन सब भगवानों से। मैं खोली के लिए 100 रुपया पेश की देकर गया था। अरे पापा जाओ नी, सबेड़ा सबेड़ा माथा मत खराब करो नी। मैं तेरा माथा तोड़ दूंगा सेठ, निकाल मेरे पैसे। दंगा फसाद दादा गिरी, वो भी इतने सारे भगवानों के सामने, जाओ नहीं देता। अरे गुंगा इसे दादा गिरी का ऐसा जवाब दे बड़ी कि ये दोबारा इधर आने की हिम्मत न करे। गॉड, लोग प्यार की जगह झगड़ा क्यों करते हैं? जॉन कह रहे थे इस बस्ती में झगड़ा नहीं हो सकता। और हेरा फेरी हो सकती है? हेरा फेरी? जॉन अंकल कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है। इसका 100 रुपया मेरे पास जमा था, मैं बोला अपना 100 रुपया ले लो भाई, बोला था कि नहीं तो बोलता है नहीं, मेरे को तो खोली ही मांगता है। अब 100 रुपये में खोली कहाँ से लाएगा? ये लो अपना 100 रुपया भाई, तुच्छा धंधा है अपना तो, आखिर मेरे को भी इतने सारे भगवानों को मुँह दिखाना है झूले लाल। अरे सेठ तुम जैसे भगवान के ठेकेदारों की वजह से धरती पर पाप का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज की तारीख में इंसान को एक होली तो क्या, मरने के बाद कब्रिस्तान में भी कोई जगह नहीं मिलती। जाने दो साहब, खोली तो शायद अपनी किस्मत में लिखी नहीं। सुनो कहाँ रहते हो? फुटपाथ पर। अकेले? अकेला होता तो क्या परवाह थी, माँ साथ है। बेटा तुम्हें एक रूम चलेगा? मुझे मेरी माँ के लिए सिर्फ एक छत चाहिए। नेवर माइंड माई सन, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे। हमारे पास हमारा दोस्त का एक खोली है जो दुबई गया हुआ है, जब तक वो लौट कर नहीं आता तुम अपनी माँ के साथ वहीं रह लो। प्रॉब्लम सॉल्व। बाय गॉड। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।